Hi Jasminum, how are you? Thank you so much for having me. I'm good. How are you? Good, Jasminum. It's my pleasure to have you here. So Same here. Jasminum, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो हमारे ऑडियंस को. मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ लुधियाना सिटी से, और मैं पिछले 15 सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ. एंड थैंकफुली, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू द इंटरनेट, वी आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. हमारे पूरे ऑल ओवर द ग्लोब से हमारे क्लाइंट्स हैं, एंड काफी अच्छा क्लाइंट सक्सेस रेट, जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट काफी अच्छा है. एंड या Yes, and you know she's and I love her designs. You know she actually make you so beautiful, and I really love your outfits, Jasminum. thank you Seriously. so much. You are pretty. Thank you. Same for You know, you, that sir. added एक बेनिफिट हो जाता है जब क्लाइंट सुंदर हो, स्मार्ट हो ना, तो वो उसका क्रेडिट भी डिजाइनर को मिल जाता है. जैस्मिन, मुझे एक बात बताओ. बहुत सारा आई डोंट नो, इट्स अ मिथ और अ फैक्ट. आजकल हम मिथ्स और फैक्ट बहुत कर रहे हैं, यू नो, सच वाला झूठ. तो सच वाला मुझे टू. आप यस तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमें सीरियसली जो ब्लैक या ब्राउन या डार्क कलर्स हैं, क्या वो सीरियसली स्लिमिंग यू नो क्रिएट करते हैं, इल्यूजन? क्या हम सीरियसली उसमें पतले लगते हैं? बचपन में हम लोग पढ़ते होते थे ना कि डार्क कलर्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब लाइट, और लाइट कलर्स दे रिफ्लेक्ट लाइट. घर में जब हम इंटीरियर्स करते हैं तो बोलते हैं कि लाइट लाइट दीवारों पे कलर करो तो कमरा बड़ा लगेगा. यू नो, सेम थिंग इज विद द क्लोथ्स. जब आप डार्क कलर का आउटफिट पहनोगे, इट एब्जॉर्ब्स लाइट. जब लाइट कलर का पहना होगा तो वो ऐसा एक्सपैंड करके दिखाएगा. एंड एडिशनल टू दैट, बट दैट थिंग कैन बी कंट्रोल्ड. ऐसा नहीं है कि हमेशा डार्क कलर ही पहनो. मेरे प्लस साइज के जो क्लाइंट्स हैं, वो लाइट कलर की तरफ जाते ही डरते हैं. अरे नहीं, इसमें मैं मोटी लगूंगी. इट्स नॉट रियली. हम उसको लाइट कलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं फिटिंग से. आप अगर देखो, पूरा टाइट फाइट पूरा सूट पहनोगे तो चाहे वो डार्क कलर में या लाइट कलर में, मोटे ही लगोगे. यू नो, अगर आप बोलो कि आपका बहुत बड़ा पेट है एंड यू वॉन्ट टू वेयर अ पेपलम स्टाइल टॉप, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. वो चाहे आप ब्लैक कलर में भी पहनोगे ना, तो वो पेट को हाईलाइट करेगा. सो वो कलर का जो प्रॉब्लम है ना, दैट कैन स्टिल बी मैनेज. कि आप स्टाइल कौन सा पहन रहे हो, फैब्रिक कौन सा यूज कर रहे हो, दैट ऑल कैन बी मैनेज. एंड प्लस साइज पीपल कैन ऑल्सो वेयर व्हाइट भी पहन सकते हैं, पेस्टल्स भी पहन सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. हाँ, और एंड सेम विद द यू नो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसके साथ भी कुछ होता है कि आप पतले लग रहे हो या मोटे लग रहे हो? डेफिनेटली वर्टिकल लाइन से पतले लगते हो, बट डिपेंड्स कि आपकी जो स्ट्राइप्स हैं वो कैसी है. अभी अगर किसी ने चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी वर्टिकल स्ट्राइप्स ले ली, वो लंबा तो चलो दिखाएगा ही, पर वो उतना और ब्रॉड दिखाएगा कि इतनी चौड़ी चौड़ी लाइंस हैं. यू नो, उसमें हाँ डिपेंड आपकी जो स्ट्राइप्स हैं वो कितनी स्पेस्ड आउट है. अगर बहुत बारीक बारीक पास पास स्ट्राइप्स है, तो वो दिखेगा अच्छा, इसकी पूरे इतना फ्रेम है, कितनी स्ट्राइप्स हैं. यू नो, द आई ट्रेवल्स यहां से लेके यहां जाने में 100-200 लाइन्स उसमें स्ट्राइप्स हैं, तो ऑफकोर्स वो ब्रॉड लगेगा. तो उसमें कैसे आप कर सकते हो, यू कैन स्पेस द स्ट्राइप्स आउट. थोड़े गैप पे हो, डेलिकेट हो, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्राइप्स यू आर वेयरिंग वो मैटर करता है. सारी स्ट्राइप्स नहीं पतला दिखाती. ओके, सो यू हैव या टू चूज द स्ट्राइप्स ऑल्सो यू नो वेरी हाँ, केयरफुली. यस, वेरी केयरफुल. वो कितनी चौड़ी है, कितनी ज्यादा है, क्या उनके कलर कॉम्बिनेशन है, अलॉट मेनी थिंग्स. सारा उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते कि स्ट्राइप्स पहन ली अब तो मैं पतली ही लग रही हूँ. ना 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 ना. ओके, सो जासमिन, हमें ना सबसे ज्यादा जो हम मेरे को अपने क्लाइंट्स को देख के ना, एक आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, मैंने आगे भी पूछा सबसे, कि सबको ना एक कंप्लेंट होती है जब वो लोग हम लोग वेट लॉस करवा देते हैं ना, दे ऑलवेज कंप्लेन. पहले तो बुटीक वाले है ना, आप लोग फैशन डिजाइनर्स बहुत कंप्लेन करते हो कि यार तुम फिर से क्लाइंट को पतले करके भेज देते हो, आप फिर से उसका मेजरमेंट्स चेंज हो गए. ठीक है, यू एंड नो, सेकेंड क्लाइंट को बहुत प्रॉब्लम होती है क्लाइंट्स को कि उसके बोलती हूँ सारे आप पुराने पतले. कपड़े बेच. नहीं, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अरे यार तुम पतले हो क्या, हो फिटिंग मैं करके दूंगी. बिकॉज मैं तो इतना मोटिवेट करती हूँ ना कि किसी तरह, अच्छा ये कर रहे हो ऐसा करो, पतले हो क्या, हो डोंट वरी अबाउट द क्लोथ्स. मेरे पास क्लाइंट्स आते हो, बोलेंगे नहीं ये डिजाइन ना, मैं जब पतली हो जाऊंगी ना, मैं तब पहनूंगी. एंड अगर देखा जाए ना, 9 out of 10 क्लाइंट्स ऑफ माइन आर ऑन अ डाइट, होपिंग टू लूज वेट. यहाँ पे एक डाइट यस का ना ये फंडा रहता है, दे डोंट वॉन्ट टू डू द डाइट टू बी हेल्दी.
दे वॉन्ट टू डू द डाइट टू बी स्लिम. मेरी ना अभी डाइट चल रही है, अभी ना मैं प्लान ले रही हूँ, मैंने पैकेज लिया है, तो मैं ना जब पतली हो जाऊंगी तो मैं बनवाऊंगी. तो यार बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि पतला होना जरूरी नहीं है, और उसी में सारी जिंदगी ना ख्वाहिशों में गुजार देते हैं. मैं बोलती हूँ जब पतले हो गए ना मैं टाइट करके दूंगी, हमारे यहाँ से कोई आपको कभी बना नहीं करेगा, आप पतले हो, पर जो अभी बनवाना है टेल मी आपका दिल क्या करता है, व्हाट आर योर ड्रीम्स, यू नो व्हाट यू आर फॉन्ड ऑफ, कि हाय काश मैं ऐसी ड्रेस पहन सकती, वो मैं देख लूंगी कि आपको कैसे जचाना है, यू नो. तो वो बिल्कुल अगर पतले होने के बाद अगर फिटिंग्स का होता है, अगर आपके डिजाइनर थोड़े चिक चिक करते हैं, तो हैव अ टेलर ना एक हाथ में रखो, थोड़ी थोड़ी फिटिंग हो जाएगी, पर कपड़े लूज हो जाएंगे उस चक्कर में, डाइट ना करो या डाइट कपड़े ना बनवाओ, ये क्या कलेक्शन हुआ, यू नो कहीं और हुआ. अगर और जैसे ना जो कपड़े वेस्ट हो जाते हैं यू नो, और स्पेशली देखो शादी के बाद ना मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इधर दे गेन वेट, फिर साल 2 साल के बाद फिर वो सारा का सारा, पहले तो वो कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब दोबारा 8-10 साल के बाद वो फिर से पतली होती हैं, तो वो फिर से कपड़े खराब हो जाते हैं. सो व्हाट इज अबाउट दैट, उन कपड़ों का कैसे केयर है, यू एज अ फैशन डिजाइनर आप इसके लिए क्या बताओगे? देखो कोई भी अगर समझदार डिजाइनर होगा ना, उसको पता होगा कि शादी के बाद लड़कियों का पुट ऑन होता ही होता है, बिकॉज समहाउ ऐसा होता है शादी के बाद नई दुल्हन पे सबका जोर होता है कि अरे इसको खिलाओ ये ना कहीं भूखी रह जाए शर्म शर्म में. तो हमें जैसे मालूम होता है कि इनका बढ़ना ही बढ़ना है, तो वी गिव अराउंड 4 to 5 inches मार्जिन इन ट्रूजो वाले या ब्राइडल वाले आउटफिट्स, तो दे कैन कीप गेटिंग दोज एडजस्टेड अगर उनका आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है. एंड देन इफ वी से आफ्टर 8 or 10 years इफ दे आर कमिंग बैक टू देयर ओल्ड साइज, बट अभी वो वाले जो शादी वाले कपड़े थे वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं, यू नो. तो देयर आर वेज के आप अपने जो पुराने वाले जो कपड़े हैं, लेट्स से आपका ब्राइडल लहंगे की चोली है, उसके साथ में आप लहंगा नहीं पहन सकते, गेट सम नाइस फ्लाउंस वाली फ्लेरी स्कर्ट मेड विद इट, यू नो, कोई हाई वेस्ट पैंट्स बनवा के, डिपेंड्स कि आपका टेस्ट कैसा है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या कोई साड़ी के साथ आप वो वाली चोली यूज कर सकते हो. लाइक अभी सभी लेंथ की शर्ट चल रही है, वेदर इट इज लाइक मिड थाई वाली या नी लेंथ बोलो या लॉन्ग बोलो, आपके पास अगर कोई 15-20 साल पुरानी भी कोई शर्ट पड़ी है ना, कि यार तब ना 36 inch लेंथ शर्ट चलती थी, अभी उसके साथ शरारा बनाओ खत्म, सिर्फ सलवार वेस्ट होगी ना, लेट दैट बी, उसकी स्टाइलिंग उसको रीडिजाइन करवा के यू कैन ऑलवेज यूज देम, प्रोवाइडेड आपका कपड़ा उतनी अच्छी कंडीशन में है, आपने उसको उतने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है कि आफ्टर 10 years You can wear it. It's not just the size. आपकी संभाल भी मैटर करती है, है ना? And always, जब when you are getting married, always mention to your designer to give ample margins. It is always a good thing. बिल्कुल, obviously, because you know weight gain. It's not about you know कि आपकी शादी हो रही है और आपका weight gain होएगा कि आपके physical body में कुछ changes आ रहे हैं. It's just because you are eating more. एक्चुअल में होता था, ओके, सम पीपल दे डू हैव मेडिकल कंसर्न्स, बट वो कम परसेंटेज होती है जिनके मेडिकल इश्यूज के कारण बढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक योर, ये जो 2.5 inch की हमारे मुंह में लगी है ना, सारा पंगा इसका है, यू नो. एंड हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आई तो एक्सेप्ट कि आई एम अ फूडी, तो मेरा जब वेट गेन होता है तो आई तो ओपनली एक्सेप्ट, भाई मैंने ये खाया था. हाँ, थैंकफुली मतलब हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इज परफेक्टली फाइन. वो जो बढ़ता है तो खाने पीने चटूरी जबान है उसके चक्कर में बढ़ता है, तो ठीक है, आए हैं दुनिया में मजे लेंगे. हाँ, आपने एंजॉय भी कर लिया एंड आपने हेल्दी भी खा लिया, डाइट भी कर ली, एंड सबसे बड़ी बात है आप बीमार नहीं रहो. यू डोंट हैव टू बी सिक टू बी एट 60 एंड यू डोंट हैव टू बी यू नो on a diet to be on a 80 also. So it's just a yes. matter of your thinking ki aap kya chahte ho. Yes. I know people who are perfectly fit and they still follow a professional nutritionist just to maintain health. Unko weight loss matlab hi nahi hai. Unko sirf hai health achhi honi chahiye. Your medical reports should speak for itself. Exactly. Dekho, weight is a specialist. People have the issue, ये all over the world है, because you know इस पे हम आ भी रहे हैं कि ये सबका issue है कि everybody wants to look thin, you know, हमें क्योंकि marketing ऐसा किया गया है, marketing जितनी models दिखाते हैं they are all you know zero figure,
तो वो एक मार्केट ऐसा किया गया है कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। अब उस चीज के लिए लोग चाहे अपनी हेल्थ खराब करके उसके लिए पतले हों या जैसे मर्जी हों, बाय हुक और क्रूक दे वांट यू टू यू दे नो वांट टू बी यस। स्लिम. तो ये इश्यूज हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड अदर पैरामीटर्स। अगर आप आज अगर ठीक है आप समझो आप 50 kg के हो, लेकिन आपको 10 हेल्थ इश्यूज हैं, व्हाट यू विल डू? इट्स ऑफ अब नो आपका यूज. फोकस क्या, आपका फोकस आपकी उन कपड़ों पे जाएगा कि आपको 50 kg के होके जो कपड़े पहनने थे वो इम्पोर्टेंट है, कि जो आपके पैरामीटर्स सारे हिले पड़े हैं, आपको सिवियर एसिडिटी है, आपकी नीज में इश्यूज हैं, आपकी बैक नहीं चल रही, कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एंड कपड़ों में भी जब आप बहुत ज्यादा पतले हो जाते हो ना, उनमें भी दिक्कत आती है. आई हैव वेरी फ्यू वो वाले क्लाइंट्स है जो बोलेंगे हाय नहीं मेरे को कुछ भी नहीं सूट करता बिकॉज आई एम टू थिन. हाँ, मैं उस क्वेश्चन पे भी आ रही थी, आप साथ ही आंसर कर दो। तो मतलब कोई बहुत पतला है वो भी खुश नहीं है, कोई मोटा है वो भी खुश नहीं है. सबसे पहले बी हैप्पी विद हाउ गॉड हैज मेड यू या हाउ यू लुक. सबसे पहले दैट इज इंपॉर्टेंट. उसके यस बाद आपको अगर लगता है कि ओके कपड़े पहनने से यू विल लुक गुड, उसके लिए हम बैठे हैं, वी विल मेक यू लुक योर बेस्ट. बट अगर आपका मन अंदर से खुश नहीं है, इफ यू डोंट लाइक योर बॉडी, इफ यू डोंट लाइक योर ओवरऑल अपेयरेंस, इफ यू आर वेयरिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्रेस भी पहने हुए है ना, आप यू वॉन्ट पुल इट ऑफ, आप उसमें भी यस अच्छे नहीं लगोगे बिकॉज पर्सनली यू डोंट लव हाउ यू आर. मतलब सुबह उठ के एक प्रैक्टिस, मतलब लोग कहते हैं अच्छा सुबह उठ के पाठ करना चाहिए, ये करना चाहिए, माय मंत्रा है सुबह उठ के शीशे में देख के बोलो यार आई लव यू, यू नो कैन यू डू दैट, यस लव दिस बंदी, आई विल एग्जैक्टली। डू एनीथिंग टू कीप दिस स्माइल. डू हाउ मेनी पीपल डू दैट? पता उस हम अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इतना क्रिटिसाइज करते हैं, सुबह अगर शीशे पे खड़े हो जाओगे तो कभी फेस में ये प्रॉब्लम है, कभी यहां से बल्ज है, तो यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ ऑल द टाइम। हाइट को लेके, शोल्डर्स को लेके, मेरे बूब्स नहीं अच्छे, मेरे हिप्स नहीं अच्छे, मेरी थाइज नहीं अच्छी. अरे अगर थाइज नहीं अच्छी, ऊपर इतना सब कुछ आपको पसंद है, फोकस ऑन दैट. या अगर 10 चीजें हैं आपके आप देखने वाली, आपको उसमें से 5 पसंद है, फोकस ऑन द 5 ना. यू हैव सच एग्जैक्टली। अमेजिंग स्किन, फोकस ऑन दैट. भाड़ में गए थाइज नहीं अच्छे, मारो गोला. ऑफ कोर्स। When you're happy, तो you will look good no matter what size you are. यस, तो मुझे ये बताओ, जब आपके पास ऐसे डिफरेंट शेप की बॉडीज आती हैं, थोड़ी सी मिस यू नो होती है, जिनके बल्जेस थोड़े डिफरेंटली होते हैं, हाउ यू स्टाइल देम? उनको, उनके लिए यहाँ पे मुझे टिप्स बताओ कि उनको कैसे मैं सेट डाउन करते हो। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे पास परफेक्ट फिगर वाली बहुत कम आती है, मे बी 10. तो हमने वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल फीमेल बॉडी इज, हर किसी की अपनी यूनिक शेप है. तो हमको इधर मॉडलिंग एजेंसी या कोई वैसे वाले में तो बैठे नहीं है कि हमें सारी मॉडल फिगर मिले. अगर कोई परफेक्ट वाली आ जाती है, हम खुश जरूर होते हैं, हाय ज्यादा जोर नहीं लगेगा इसको, कुछ भी बनाएंगे चलेगा. बट देन देयर इज नो चैलेंज. तो किसी का ऊपर से ब्रेस्ट हैवी है, किसी के बाइसेप्स हैवी है, वी आर वेरी यूज टू इट. बस सिर्फ उसमें हमें ये सोचना पड़ता है कि इसके साथ ये स्ट्रिक्ट रहना है कि भाई अगर तेरी बाजू है, अगर बड़े बड़े डोले हैं तो मैं तेरे को स्लीवलेस नहीं दूंगी. इफ यू हैव अ बल्जिंग आउट बेली, आई वोंट लेट यू वेयर अ क्रॉप टॉप. उसमें मैं स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, यू नो. पर हमें दिक्कत नहीं आती. आई रियली डोंट फाइंड एनी बॉडी शेप, कर्वी हो कुछ हो, हमें दिक्कत नहीं आती. कभी कभी दिक्कत आती है जब हम, जब जैसे बताते हैं कि दिस थिंग वोंट लुक गुड ऑन यू, एंड क्लाइंट रिजिड हो जाता है. लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, अभी जो हैवी बस्टेड होते हैं उनको स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न ब्लाउजेस नहीं सेट आते. आप कुछ भी कर लो, उनको वो सेट ही नहीं आएंगे बिकॉज हैवी बस्टेड जनरली मिनिमाइजर्स या पूरी ग्रिप वाले ब्रेजियर डालने के यूज टू होते हैं. एंड वो वाली ग्रिप और सपोर्ट की उनको जो आदत होती है, वो स्ट्रक्चर्ड ब्लाउजेस वाले पैड्स दे ही नहीं सकते. तो उसमें मैं कई बार उनको, क्लाइंट को मना कर देती हूँ कि पैडेड वोंट वर्क फॉर यू, सो वील हैव टू कीप द नेक लाइंस अकॉर्डिंगली, या डिजाइन हमें चेंज करना पड़ेगा. वहां पे कई बार क्लाइंट फस करता है, नहीं मेरे को तो बैकलेस ही पहनना है. दैट इज द ओनली पॉइंट वहां पे थोड़ा सा कभी मेरे को दिक्कत आती है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट्स मान जाते हैं, दे ऑल्सो अग्री बिकॉज मेरे से ज्यादा उनको पता है कि उनको क्या दिक्कत है. दे आर बस्टी, दे ऑल्सो नो, यू नो ऑब्वियसली अपनी बॉडी का पता ही है. अदरवाइज बाकी और किसी चीज में दिक्कत नहीं आती. वी टेक केयर ऑफ फैब्रिक्स, उनको कट्स कैसे,
फिट्स कैसी देनी है, दिक्कत नहीं आती. बट नाउ यू नो दीज डेज प्लस साइज मॉडल्स आर रियली कमिंग अप एंड दे आर एक्चुअली बिकमिंग द रोल मॉडल्स फॉर मेनी. यस है ना, एंड दे आर वेयरिंग एवरीथिंग एंड एंड दे आर वेयरिंग विद द कॉन्फिडेंस. यू नो आई थिंक जब आप कॉन्फिडेंस के साथ वेयर करते हो ना, एवरीथिंग सूट्स यू. ये जो प्लस साइज मॉडल्स भी हैं, इनको उतनी पब्लिक से एक्सेप्टेंस पता नहीं है कि नहीं है, बट दे हैव एक्सेप्टेड देमसेल्व्स. यस एंड दैट इज वेयर द कॉन्फिडेंस कम्स आउट फ्रॉम. यू नो इट्स नॉट, अगर आपके ऑडियंस वहां पर बैठ के आपके फ्रेंड्स बैठकर अपलॉड कर रहे हैं बट जेन्युइनली वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते एंड यू आर लुकिंग फॉर जेन्युइन अप्रिसिएशन टू कम आउट, नो इट डज नॉट वर्क दैट वे. ये अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ. And then you will release that aura and then people will accept you. Jo bhi hai, it has to start from within you. Exactly. Hai na? And bilkul. And aajkal jaise na bahut fast fashion change ho rahe hai, you know. Kabhi kuch, kabhi kuch, kabhi kuch, everything. I think everything is in and everything is not aage agar aajkal agar long shirts bhi chal rahi hain, short bhi chal rahi hain, crop top bhi chal rahe hain. So what is your take कि मतलब कैसे उस चीज को आप मैनेज करते हो, क्योंकि जब इतनी जल्दी फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं. Yeah, there is a limit to everything. देखो आप अगर आपके घर में अगर फैमिली में साल में दो बार शादी आ रही है, चार बार शादी आ रही है, आप चार बार लैविश वाली शॉपिंग करोगे, अदरवाइज बाकी का पूरा साल आपको रूटीन वाले ही चाहिए. यस यू नो नो मैटर कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, अगर आपके कंजर्वेटिव फैमिली है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो फॉर क्रॉप टॉप्स एंड ऑल. यू नो यहाँ आपका एकदम मॉडर्न है तो आपको कोई मतलब ही नहीं लॉन्ग कुर्ते चल रहे कि शॉर्ट कुर्ते चल रहे, आप कुर्ता पहनने वाले हो ही नहीं. तो उसमें यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो. नो यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू बी सिलेक्टिव. एंड एक तो वैसे अच्छा बहुत है, इतना कुछ चल रहा है, आप उसमें से अपना स्टाइल पिक करो. You don't have to follow each and every style to beech mein rehne ke liye ki haan main ye bhi pehen lu, ye bhi pehen lu. No, figure out what works best for you. You know, if I talk about myself, I have a very prominent shoulder line and I know that that is my strong point. Jab mereko bahut acha kabhi outfit banana hota hai, I make it off shoulder, you know, either ek shoulder ya dusra shoulder, because wo mereko pata hai ye mera strong point hai. तो आपको अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मालूम होना चाहिए एंड दैट शुड बी योर एक स्टाइल. खुद आप डेवलप करोगे, आपको कोई स्टाइलिस्ट कोई डिजाइनर आपका स्टाइल नहीं डेवलप करेगा. आपको फिगर आउट करना है कि मेरे को जीन्स और टॉप ही पहनने हैं या मैं सलवार कमीज में ही अच्छी लगती हूँ, यू नो, या मेरा जो सोशल जो स्टेटस है या मेरी जो फैमिली का जो एनवायरमेंट है उसमें ये चलता है, तो इसमें व्हाट बेस्ट कैन आई गेट. You don't have to go for everything. जो भी मार्केट में मिल रहा है सब नहीं उठा के घर ले आना. Exactly. ऐसा नहीं होता ना जैसमिन, हम पता क्या होता है, जैसे हम बॉडी के लिए कॉम्पिटिशन, हम we always say please don't compare your body to anyone, है ना. हो सकता है उसको कोई और डाइट सूट करती है, उसको वो चीज सूट करती है, उसकी बॉडी जल्दी यू नो लूज करती है, आपकी बॉडी स्लो लूज करती है. We always tell people की every body is different. So same case with the you know clothing part. अब जहां तक मुझे लगता है एवरी पर्सन स्टाइल इज डिफरेंट, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब बहुत सारी चीजें ना कैची लगती है. अब किसी ने क्रॉप टॉप स्कर्ट पहना है एंड दैट पर्सन इज लुकिंग ऑसम इन दैट. अब आपका आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती बट यू वांट टू डू दैट. द नेटवर्क इज अ बिट अनस्टेबल, आई मैनेज करना चाहिए. यस, आप एक बार चेकआउट करो. Yeah, network is a bit unstable. And you know, I think it's fine. Yeah. Yeah. So, अगर मुझे आपके जैसे ड्रेस अप करना है या किसी ने मेरे जैसा ड्रेस अप करना है बट हो सकता है उसको वो चीज सूट ना करे. हम कई बार कहते हैं ना, हाय उसने वो पहना था मुझे भी वही चाहिए. वो पता क्या होता है, वो अंदर का कॉम्प्लेक्स होता, अंदर का कॉम्प्लेक्स होता है एंड कहीं ना कहीं आप अप्रिसिएशन, एवरीबडी is looking for appreciation, whether it's from बच्चों की तरफ से या parents की तरफ से, spouse की तरफ से या in society, like in general. तो एक वो acceptance, तो आपको वो लगता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है, सब लोग उसको appreciate कर रहे हैं, शायद मैं भी वो पहनूंगी तो वो मैं accept हो जाऊंगी. But again the thing is work on the core. First accept yourself.
टेकिंग इंस्पिरेशन इज वन थिंग कि अच्छा उसने वो वाला स्टाइल पहना, ये वाला अच्छा लग रहा है, आई कैन ट्राई दैट, एंड ब्लाइंडली फॉलोइंग कि वो जो भी पहनती है वो अच्छा ही है. यू नो लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, आजकल हमारे यहाँ पे लड़कियों का क्रेज हुआ है मासूम मीना वाला, यू नो शी इज अ रेज, जो भी आती yes, she is. कुछ भी पहन लेती है, यू नो शी इज अमेजिंग. एंड उसका बॉडी शेप अगर बोलो दैट इज अ चैलेंज, हाँ जैसी उसकी बॉडी शेप है, बट हाउ फैबुलस दैट आल्सो ऑफ वही बॉडी शेप वाली यहाँ पे आएगी, वो मतलब बोल बोल के अरे मेरे थाइज मेरे हिप्स मेरे थाइज मेरे हिप्स, दे एक तो छोड़ते नहीं है. यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ कि मैं जैसी हूँ आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड. ये रोज का एक बार दिन में अपने आप को बोलना शुरू कर देना, मतलब इतनी खुश रहेंगे ना. तो सबसे पहले एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड देन टेक एन इंस्पिरेशन कि इसको हाउ कैन आई इनकॉर्पोरेट रादर देन जस्ट ब्लाइंडली गोइंग आफ्टर इट. उसकी बॉडी शेप अलग है, उसका एनवायरमेंट अलग है, वो जैसी ड्रेसेस पहनती है वो शायद आपके घर में आपकी फैमिली ही अलाउ नहीं करेगी. यू नो यहाँ पे वी आर ऑल इन वेरी क्लोज नेट फैमिलीज वाले सर्कल में, तो थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो थोड़ा सा उसको माइंड में रखना पड़ता है. तो यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो एन इन्फ्लुएंसर और अ सेलिब्रिटी, थोड़ा सा अपना उसमें थोड़ा सा ईज डाउन होना पड़ेगा. इंस्पिरेशन जरूर लो, दैट इज वॉट दे आर वर्किंग फॉर. अभी अभी एक क्वेश्चन आया है जैस्मिन, द गर्ल इज सेइंग तरुणा आर यू इफ यू आर देयर, सो दिस इज योर क्वेश्चन, कि वो कह रही है कि मुझे सिर्फ कुर्तियां ही सूट करती हैं और मैं सिर्फ कुर्तीज ही पहनती हूँ, बट मेरी प्रॉब्लम है सारी कुर्तीज एक जैसी लगती हैं. सो हाउ टू हाउ टू मैनेज कुर्तीज इज अ ब्यूटिफुल आउटफिट. कुर्तीज में आप अलग अलग कट्स ट्राई कर सकते हो, यू कैन गो इन फॉर हाई लो, थोड़ी सी एसिमेट्रिकल कुर्तीज पहन सकते हो, देन ए लाइन में पहन सकते हो, थोड़ी कलीदार में पहन सकते हो. यू डोंट नेसेसरली हैव टू वेयर अ स्ट्रेट कुर्ता ऑल द टाइम. उसका अगर स्ट्रेट भी पहनना है उसका कभी घेरा गोल करवा लो, कभी ऐसा सी कट करवा लो, कभी ऐसा डायगनल करवा लो, आगे से छोटा पीछे से लंबा करवा लो. यू नो सिर्फ उसके हेमलाइन में ही 500 तरह की हेमलाइंस मैं बता दूंगी. तो अगर नीचे से आपको स्ट्रेट रखना है, प्ले विद द नेकलाइंस, देयर इज सो मच यू कैन डू विद द नेकलाइंस. यू नो ऐसा नहीं है कि कुर्ती के साथ में आपको एक ही पर्टिकुलर स्टाइल की चूड़ीदार या सलवार ही पहननी है. आजकल तो इतना कुछ, देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पैंट्स आती हैं, सलवार्स हैं, प्लाजो है, शरारा है, स्कर्ट है. प्लाजो में मेरे को लगता है 10 अलग तरह के प्लाजोस बनते हैं. तो एक कुर्ती को भी, आई समहाउ स्पेशलाइज इन कुर्ता सो आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट कुर्ताज. बट कुर्ती इज सच अ वर्सेटाइल आउटफिट. अगर आपको कुर्ती पसंद है, कुर्ती में बहुत कमाल हो सकता है. मोनोटनी लाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट. बहुत स्टाइलिश कुर्तीज भी होती है. एंड जैस्मिन, जिनकी यू नो ब्रेस्ट हेवी होती है, व्हाट काइंड ऑफ अ नेकलाइन दे शुड प्रेफर, एंड सेम विद द वाइस वर्सा, जिनकी बहुत पतली होती है, यू नो दे हैव अ स्लिमर लुक. सी एक तो जब हेवी ब्रेस्ट होती है, एक तो आपका ये वाला पार्ट ऑलरेडी वोलप्चस है ना, उसको बहुत ज्यादा फैब्रिक से कवर मत करो, बिकॉज तब आपकी जो विजन है, लेट्स से आप उसका छोटा गला पहन रहे हो कि नहीं मेरी ब्रेस्ट हैवी है, ऐसा क्लीवेज शो होता है तो आई डोंट लाइक इट, ऊपर तो कपड़ा चढ़ा लेते हो, तो द आई विल ट्रेवल यहां से पूरा ब्रेस्ट के अराउंड, पूरा विड्थ में भी. जितना एरिया फैब्रिक से आप ज्यादा कवर करोगे, उतना आई को ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना विजन में वो ज्यादा दिखेगा. सो ओपन अप, यू नो थोड़े ब्रॉड नेक्स पहनो, अगर डीप में पहन रहे हो थोड़ा वी नेक लाइन पहनो, सो दैट सम स्किन शोज, और जो आपका ब्रेस्ट एक प्रोमिनेंट जो हो रहे हैं उनसे नजर हटके थोड़ी आपकी कॉलर बोन्स पे, नेक लाइन पे, फेस थोड़ा ग्लो करे उस पे नजर जाए, रादर देन अ लॉट ऑफ कपड़ा रैप्ड अराउंड योर बूब्स. यू नो उसको बहुत ज्यादा कवर अप मत करो, ओपन इट अप, थोड़ा खोलो. एंड देन वाइस वर्सा, जिसके बिल्कुल ऊपर से छोटा साइज है, अगर अपर बॉडी इज स्लिमर, तो आप उस पे फैब्रिक ज्यादा से ज्यादा दो. वेयर सम एग्जैजरेटेड वाले डिजाइंस, यू नो आजकल रफल्स और फ्रिल्स वाले इतने सुंदर सुंदर डिजाइंस चल रहे हैं. फेदर्स लो, टेक बिग एलिमेंट को ऊपर से थोड़ा उसको एनहांस करें. ग्रेट. एंड सेम विद द यू नो विद द
दिस हिप लाइंस. अब जिनकी हैवी हिप्स हैं तो व्हाट काइंड ऑफ दे शुड वेयर एंड अगेन द वाइस वर्सा. See, heavy hip lines wale are mostly like pear-shaped body, not necessary, but mm-hmm. mostly are pear-shaped body. So, unko mm-hmm. the best style for them is an A-line. Mm-hmm. Okay. You know, so, usme kya hoga? Generally, unke of course, agar hip heavy hai, to kamar is tiny. Agar tiny nahi bhi hogi, to hip se to kam broad hai hi hai. They are not straight mein nahi hai. Unka aise mein hai. तो जब हमारी ड्रेस का नीचे से घेरा बाहर को जाता है तो वो एक इल्यूजन हो जाती है कि शायद कमर के बाद ड्रेस सारा मतलब अपने हैवी हिप्स का कसूर जो है वो घेरे पे डाल सकते हैं. कह रहे नहीं ये तो ड्रेस का मेरा हिप तो नॉर्मल है यू नो. वही अगर आप ऐसा बिल्कुल कमर से आ रहे हो और हिप से लेके स्ट्रेट ले रहे हो वो डिफाइन हो रहा है कि ये हिप के कारण शर्ट फैली हुई है. तो यू कैन नॉट पुट द ब्लेम ऑन द घेरा. तो ट्राई टू हैव अ बिगर फ्लाउट. ए लाइन लो. अनारकलीज वर्क बेस्ट फॉर हैवी बम पीपल. You know, hmm. anarkalis low, kalidar low, A line low, they will work best for heavy hip line walo ke liye. And agar kisi ki bahut slim hai niche se, they have a very slim bumps though. And if they want to make their bum look bigger, fir bhi anarkali, wo thoda flounce dega. Wo hum jo heavy hip ko chupane ke liye keh rahe the ki niche se ghera zyada hai, usi ke karan phuli hui hai, to wo kam hip size hai, uska bhi niche se phula hua, unko thoda broadness milegi. ओके दैट्स यू नो वो अच्छा वो ऐसी शेप है एक वो आर ग्लास सी है वो हम इल्यूजन क्रिएट कर लेंगे विद अ बिगर फ्लाउंस. ओके ओके वी हैव अ क्वेश्चन. बेस्ट आउटफिट्स फॉर द रेक्टेंगुलर बॉडी शेप. रेक्टेंगुलर के लिए मेरा एक पूरा वीडियो है. उसमें रेक्टेंगुलर में सी बहुत ज्यादा कर्व्स नहीं होते सो वी हैव टू टेक द फोकस वेस्ट पे. You know, अभी उसमें आप बेल्ट ले सकते हो योक्स वाले डिजाइन ले सकते हो सो दैट ऐसा लगे कि वेस्ट इज नैरोअर. यू नो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती पहनोगे तो वो स्ट्रेट स्ट्रेट एकदम बॉक्सी सी लुक आ जाएगी. वही अगर आपने कुर्ती के ऊपर या अनारकली के ऊपर या स्कर्ट टॉप पहना और बेल्ट लगाई हुई है तो वो लगेगा छोटी है वेट वेस्ट जो है वो थोड़ी छोटी है थोड़ा सिंच हो जाएगी वेस्ट. एंड देन आपको जो ऐसे वाली जो शेप आर ग्लास जो शेप है वो जो क्रिएट करनी है. You can have outfits with power shoulders वाले कोई outfits या जिन पे यहाँ पे sleeves में कुछ balloon sleeves है you know जो ऊपर से broad हो पर waistline पे कुछ prominent design ना हो. waistline को cinch करना है and नीचे को spread out करना है. Okay, that's so good and there are amazing tips Jasmine. इतना तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कैसे outfit पहनने चाहिए. With my clients, these are the practical things. You know the things that in mind while taking care of my clients. You know, तो अभी clients को होता है अगर उनको नहीं भी उन्होंने मेरे videos देखे या ये हर किसी के साथ discuss नहीं कर सकते जो हम इस video में जो share live session में जो share कर रहे हैं. clients ऐसा बोलते हैं अरे I don't know what magic she has she makes me look good. खत्म. That is my whole. I understand. अभी आप guys she has made many videos regarding you know that these kind of her tips. Please go through her page. She's on her YouTube also and the Insta page also and she has a Facebook page also. So just go through it and you will get a lot more of tips. जैसे आपको अभी बोलते हैं पता नहीं सिमरत कैसी डाइट देती है पर वो पतला कर देती है. What calories आपके क्या वो आज क्या खाया कितनी calories क्या count कर रही है वो पतला कर देती है. And यू नो आपको वो हेल्दी कर देगी. आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स आज मैं आपका देख रही थी जिसका थायराइड का डाला हुआ था. आई वाज सो इम्प्रेस. मतलब आई रियली डोंट केयर आपने क्या कैलकुलेशन है आपकी क्या उसके इतने सालों का एक्सपीरियंस क्या आपकी साइंस चली है उसमें. रिजल्ट्स आर अ प्रूफ. यू नो दे आर शोइंग. उसके तीन चार रिपोर्ट्स आपने डाली हुई थी दे आर द प्रूफ. खत्म. मतलब यार वही दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट ना कि इट्स नॉट अबाउट द वेट एग्जैक्टली दैट्स अबाउट how you are feeling from inside. I always tell the people please do check the signs. If you are getting signs na aapka hair fall start ho raha hai aapke pains ho rahi hain you are feeling lethargic that means something is not right with the body. Aur jab yahi cheeze jab aap diet karna start karte ho ya kuch bhi acha healthy khana shuru karte ho agar weight nahi bhi ja raha then it start getting reverse samjho you are on a right path. Weighing scale तो शायद बाद में बताता है बट योर बॉडी ऑलवेज टेल यू. योर बॉडी एक्चुअली स्पीक्स टू यू. यू जस्ट हैव टू लिसन टू इट. यस
यू नो आई कुड नॉट ब्रीथ. 2 years ago, I was so overweight, I could not breathe. अगर मैं 10-12 स्टेप चढ़ के जाती थी और मेरा सांस फूल जाती थी. एंड नाउ रिमेम्बर व्हेन आई एम लाइक बचपन से एस्थमेटिक हूँ और अभी मेरे को आई डोंट रिमेम्बर लास्ट मैंने इनहेलर कब यूज किया था. तो माय रीजन टू गेट इनटू दिस वेट लॉस जर्नी वाज बिकॉज आई वाज नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग. आई वाज नॉट बीइंग एबल टू क्लाइंब. एक ऊपर कमरे में जाना है तो मैं आई वाज लाइक यू नो तो माय बॉडी टोल्ड मी एग्जैक्टली. सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट द यू नो वेट, इट्स जस्ट अबाउट एवरीथिंग यू आर फीलिंग यू नो. यस सो फूड इज अ फ्यूल, व्हाटएवर यू आर पुटिंग इन इट्स स्टार्ट शोइंग यू आउट. चाहे वो आपकी ब्रेथ में है, आपके फेस में है, आपके यू नो स्किन है, हेयर्स है, एवरीवेयर. It starts showing. Yes. So tell me few tips for the wardrobe makeover. Wardrobe makeover. पूरे का पूरा wardrobe तो नहीं makeover करवाएंगे. And पूरा का पूरा somebody really wants to yeah we can just reframe this question. Somebody you know जैसे हमने किसी ने एक कुर्ती का question पूछा है ना, या कोई एक ही style में हर time रहता है ना. Sometimes every person has a kind of a style, no? But that person really want to change it, you know. You want to change it, but what are you doing to change it? अगर आपका designer या आपको कोई जना अगर suggest करता है, okay, you have always been into Indian wear, get into Western wear. Okay, try on a blazer this time on jeans. अरे नहीं नहीं मेरे को नहीं पहनना है blazer, मैं नहीं है, मेरा style नहीं है. Experiment करो, it's just a dress. You never know, you find your own style. Exactly. मेरे को एट द मतलब इस एज पे आके मेरे को लास्ट ईयर आई डेवलप्ड अ कपल ऑफ स्टाइल्स जो मैंने पहने लास्ट ईयर से मैं पहन रही हूँ. एंड दिस वाज लाइक एट दिस एज आई जस्ट फाउंड माय स्टाइल बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग. अच्छा ये वाला स्टाइल, ये वाला स्टाइल. जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, अगर चलो मान लो ड्रेस आपको नहीं सूट करी, इट्स जस्ट अ ड्रेस. व्हाट इफ इट लुक्स अमेजिंग ऑन यू? तो पहले तो अपना माइंड ओपन करो कि आई एम ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स. वो जो हमारा एक रिजिड जो फ्रेम होता है ना, उससे बाहर नहीं निकल पाते. नया कोई स्टाइल उन्होंने मन में बस डिसाइडेड होता है कि मेरे को तो ये सूट ही नहीं करता. यू नो देयर इज अ रीजन वी हैव ऑल प्लस साइज में ड्रेसेस यहाँ पे डिस्प्लेड. तो मेरा तो मेजरली मैं बोलती हूँ इसको पहनो. बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को नहीं सूट करता. मैं तो पहनो तो सही यार, जबरदस्ती दे के नहीं भेजेंगे. एंड जब पहन के आते हैं 80% of the times they are like, oh wow, I could not even imagine कि मेरे को ये भी सूट करेगा. तो मैंने जानबूझकर यहाँ पर XL और double XL sizes लगा रखे हैं कि अरे पहनो, मेरा तो ये standard size है, you know? तो उनको जब पहनाते हैं, try करवाते हैं, तो उनका वो थोड़ा हौसला हो जाता है कि अच्छा हमने अपने पैसे भी नहीं खराब करे एंड ट्राई करके पता भी चल गया. चलो अगर आप यहाँ पे नहीं हो, आप कहीं और हो, जस्ट ट्राई. कुछ अगर बहुत किसी चीज पे मन करता है, गो फॉर इट, बनवाओ. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, एक ड्रेस वेस्ट हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा. बट व्हाट इफ आपको अपना स्टाइल मिल जाता है, यू विल बी आउट ऑफ दैट बोर्डम. यस. एंड देन ग्रेजुअली जो आप नई जो परचेजिंग करोगे, फॉलो दैट स्टाइल. एकदम से रातों रात मेकओवर नहीं करेंगे अपन. बिल्कुल, बिकॉज यू नो पीपल डोंट ट्राई. सेम केस विद द डाइट है ना, सबको डर ही लग रहा था, पता नहीं डाइट करेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कहाँ से शुरू करेंगे, पता नहीं हमें क्या खाने को मिलने वाला है. तो डरते हैं, पता नहीं हाई बड़ी मुश्किल मुश्किल रेसिपीज बताएंगे, कहाँ से लेके आएंगे ये सब चीजें, पता नहीं कहाँ से मिलता है ये सामान, बनाएगा क्या. बोलते हैं यार मेरे से ना डाइट नहीं होती, वो बड़ी मुश्किल मुश्किल रेसिपीज देते हैं. All dietitians are practical. उनको पता है कि housewives है, उन्होंने घरों में क्या उनको अवेलेबल क्या है. ऐसे थोड़ी ना सुपर ग्लोज, ये आप स्विट्जरलैंड से मंगवाओ, ये आपको जी सिंगापुर से मिलेगी. नो, उस डाइट का फिर फायदा ही क्या जो आप सारी उम्र कर ना सको, जो आपको एक्चुअली स्विट्जरलैंड से मंगवानी पड़े. यस ये ना सभी dietitians इतने प्रैक्टिकल नहीं है. दैट इज यू हैव इट बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस, यू नो के इनको क्या चलेगा. तो वो उसमें भी लोग डर जाते हैं, हाँ, बड़ी मुश्किल मुश्किल रेसिपीज, मेरे से ना डाइटिशियन वाली डाइट नहीं होती, मैं अपने आप ही कर लेती हूँ. ये जो अपने आप वाले होते हैं उनका क्या करते हो? हमारे पास रोज आते हैं, यू नो व्हाट, बहुत आई एम नॉट सेइंग, देखो एवरीथिंग इज ऑन गूगल राइट नाउ है ना. पीपल नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट है ना, व्हाट इज रॉन्ग, क्या खाना है,
बट किसको ये नहीं पता होता कि इट्स नॉट अबाउट ईटिंग हेल्दी ओनली, इट्स अबाउट द बैलेंसिंग पार्ट. यू नो इट्स नॉट कि आपको हेल्दी है तो आप नट्स भी खाए जा रहे हो, आप किनवा भी खाए जा रहे हो, आप चिया सीड्स भी खाए, पर ये नहीं पता कि उसे खाना कैसे है, उसे बैलेंस कैसे करना है, उसको बाकी की चीजें साथ कैसे देके जानी है. अगर आपके आप डेफिशिएंट हो तो उसको कवर अप कर कैसे करना है. अब बहुत बारी होता है आप सब कुछ अच्छा खा रहे हो बट देन ऑल्सो यू आर डेफिशिएंट, और अगर आपकी डेफिशिएंसी होगी देन ऑल्सो यू कांट लूज, फिर भी आप नहीं कर पाओगे. देन यू हैव टू गेट योर ब्लड पैरामीटर्स डन. आप अपने थोड़े से टेस्ट कराओ, आपको पता लग जाएगा 1 मिनट में कि कुछ गड़बड़. ब्लड टेस्ट करवाने से डरते हैं, अरे नहीं उन्होंने तो बहुत सारे टेस्ट बोल दिए, मैं नहीं ऐसे टेस्ट करवाती। ये तो ना जैस्मिन हम वो हाल होता है, हम सबको पता है क्या एग्जाम्पल देते हैं, जब कभी कहते हैं ना नहीं नहीं टेस्ट नहीं कराऊंगा, मैंने कहा अच्छा पढ़े नहीं है बट पेपर देने से डर लगता है ना, फिर तो पढ़ लो. तो एक्चुअली तो क्या हो उनको गया, अपने अंदर से क्या क्या निकल के आएगा। ब्लड टेस्ट से कभी नहीं डरना चाहिए. इट्स नॉट कि कुछ क्या क्या निकल के आएगा, आप ये सोचो आज नहीं कराओगे, अगर 5 साल के बाद कराओगे तो जरूरी है बॉम्ब ब्लास्ट करना है खुद पे. कई बार पता तो होता है चलता हमारी बॉडी सिम्टम्स ही नहीं दे रही होती, हमारी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं होता कि कुछ गड़बड़ हो रही है, बट फिर भी हमें हमें अपने ईयरली ब्लड टेस्ट कराने ही कराने चाहिए, एज सिंपल एज दैट. आई ऑल्सो बिलीव इन दैट। यस, तो जैस्मिन अब हम वाइंड अप करते हैं. लास्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट हाइटेड पीपल के लिए, है ना, उनको कैसे हम लोग ड्रेसअप कर सकते हैं कि इल्यूजन आए कि दे आर लुकिंग यू नो टॉल. इसको मैं बड़ा क्विकली बताऊंगी। एक तो शॉर्ट हाइटेड जो है, ड्रेस में वर्टिकल ब्रेकेज ना लो, लाइक शर्ट अलग कलर की, लोअर अलग कलर का, डोंट डू दैट। यहाँ टॉप अलग कलर का, स्कर्ट अलग कलर की, ट्राई टू कीप द कलर्स सिमिलर, मोनो दैट इज कलर्स. अ। हर वक्त कई लोग बोलते हैं यार हर वक्त अभी सिंगल कलर के आउटफिट्स भी पहनने का मन नहीं करता, तो उसमें क्या है, यू कैन टेक टोन्स ऑफ अ सेम कलर, ओके लाइक पिंक के साथ थोड़ा फूशिया पिंक कर सकते हो, ब्लैक के साथ ग्रे कर सकते हो, सो दैट दे ब्लेंड टोन्स ऑफ अ सिंगल कलर। दैट इज द बेस्ट टिप। एंड देन उनको दे हैव टू गो फॉर फ्लोई एलोंगेटिंग फैब्रिक्स। और जैसे अगर ट्राउजर्स का, मैं थोड़े दिन पहले ही एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं देख रही थी, मेरी क्लाइंट की एक वीडियो उन्होंने बना के भेजी। फर्स्ट क्लिप में शी इज वेयरिंग एंकल लेंथ पैंट्स, यू नो, एंड जब वो ट्रांजिशन हुई तो शी इज इन लॉन्ग फ्लोर लेंथ बूट कट पैंट्स। एंकल लेंथ से बूट कट में आने में 5 से 6 इंच लेंथ उनको मिल गई, एंड विजन से वो उतना ही लंबा दिखने लग गई। तो डू टेक केयर कि आप जबरदस्ती अपने आउटफिट में अपनी लेंथ को चॉप नहीं करो। ओके कपल ऑफ थिंग्स जो हर कोई, हर एक तरह के, वेस्टर्न हो या इंडियन हो, उन आउटफिट्स में ध्यान रख सकता है। डोंट क्रिएट एनी ब्रेकेज कलर के साथ या सिल्वेट के साथ, के ड्रेस को मिडवे ना काट दो कि वो वहीं पे लेंथ रुक जाएगी। हमारी विजन जो है ना, वो मेनली कपड़े के ऊपर ट्रेवल करती है, तो हमें वो देखना है कि हमें कितना, क्या हम दिखाना चाहते हैं, उतना ज्यादा कवर करो या उतना कम कवर करो। जैसे अगर कोई बहुत लंबा है तो उसको चॉप करने दो, बिकॉज उतनी ऊपर से लेके मतलब 5, 8, 5, 10 कोई है, नीचे तक आ रही तो यार एंडलेस, खत्म ही नहीं हो रही इसकी लेंथ, तो उसको चॉप करना चाहिए। छोटे जो है उनको चॉप नहीं करना, लेट द लेंथ कंटिन्यू। और अगर कोई अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट है, यू नो सम पीपल, जैसे हम प्लस साइज की बात कर रहे थे, सम पीपल आर रियली कॉन्फिडेंट, तो दैट दोस पीपल कैन वेयर यू नो शॉर्ट और द क्रॉप टॉप्स पहन सकते हैं ना, दे शुड. यस बिल्कुल कर सकते हैं। यू शुड नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ, या दैट्स इट। दैट्स इट ना. So it's all about the body positivity. It's just you also get the people, you know, आपके भी यहाँ होता है बहुत ज़्यादा body shaming and everything. इसका मैं पता क्या बोलूंगी, बॉडी शेमिंग ओनली इफेक्ट्स व्हेन यू लेट इट इफेक्ट यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर किसी ने मेरे को बोला अरे मोटी, ए मोटी, आई से हाय इसने मेरे को मोटी बोला, आई गॉट हर्ट बिकॉज मैंने उसका वो मोटी बोला मेरे को इफेक्ट होने दिया। अगर उसने बोला ओए मोटी, आई मूव ऑन, मेरे को ढेला फर्क नहीं पड़ा उसने मेरे को मोटी बोला कि पतली बोला। तो अगर कोई जना आपको बॉडी शेम करता है, यू योर सेल्फ, आप खुद उसको इफेक्ट होने देते हो, अगला बंदा नहीं आपको हर्ट कर रहा। बिल्कुल
डोंट बॉदर, आपकी चॉइस है. अगर कोई जना कहते हैं हाय ये तो बड़ी काली सी है, यू नो इट्स नॉट ओनली अबाउट मोटी मोटी और पतली, काली सी है. या ये तो ओए पतलों के लिए भी होता है जासमिन ना, अगर आप बहुत पतले हो, कांगड़ी, हड्डी तो हड्डी रखती है या अगर आप उसको बोलोगे हाय मेरे को सारे हड्डी हड्डी करते हैं, आप उसको सुन के यहां ले जाते हो, इसलिए वो आपको इफेक्ट करता है. आए तो से दे आर जेलस, वो खुद पतले नहीं हो रहे इसलिए आपको हड्डी पेंसिल बोल रहे हैं. अगर आप उसको इफेक्ट ही नहीं, यहां से यहां नहीं लेके जाओगे, इट डज नॉट मैटर कौन क्या बोल रहा है. इट इज सीरियसली. दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड कि आपको हर एक चीज दिल को लगानी है. एग्जैक्टली. पीपल विल डू, उनको आप सिखा नहीं सकते हो कि बॉडी शेमिंग इज बैड, यू शुड नॉट फैट शेम. हम हर जगह पे हर जगह वाले को ज्ञान नहीं दे सकते, बट वी कैन बिल्कुल. वर्क ऑन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे, हम वर्क कर सकते हैं, यस. है ना. सीरियसली, दिस इज ऑल अबाउट आवर थॉट्स. यू नो, हम कैसे यस सोचते हैं, हमें कैसे लगना है, हमें हमें कौन से आउटफिट्स अच्छे लगते हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं. सबसे बड़ी बात तो यही होती है, इफ यू वांट टू लुक स्लिमर, यस यू कैन वर्क ऑन इट. एंड इफ यू वांट टू रियली वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ ड्रेस, तो इट्स योर प्रायोरिटी. अगर आप उसे यहाँ पर पतले होकर पहनोगे या उसे उस कॉन्फिडेंस के साथ पहनोगे कि आपको मैटर ही नहीं करता. जब पतले होंगे तब देखेंगे जो अरमान है पूरे कर लो. जब तक जिंदगी है. हो ना हो, शौक ही रह गया, ऊपर जाके बोलेंगे अरे मैंने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहननी थी मेरी रह गई. पहन लो जो पहनने का मन है, डोंट बॉदर, पीपल विल जज यू. अरे नहीं मैं ऐसी ड्रेस पहन के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग क्या कहेंगे, अरे फैमिली में पहननी है, सारे बातें करेंगे. यू नो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ये मेरा पर्सनल मेरे साथ थोड़ी देर पहले ही हुआ. मेरे जनरली जो वीडियोस होते हैं ना, जो रील्स वगैरह होती है, उसमें आई एम मोस्टली वेयरिंग इंडियन वेयर, सूट्स हो गए, कुर्ताज हो गए, वो सब, बिकॉज आई स्पेशलाइज इन दैट. यू नो आई एम यस. एन इंडियन वेयर डिजाइनर मेनली, आई डू वेस्टर्न ऑल्सो बट मेनली माई स्ट्रेंथ इज इंडियन वेयर. तो मेरा पीछे एक मेरा पर्सनल इवेंट था, इट वॉज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, एंड वहां पे आई वोर एन ऑफ शोल्डर ड्रेस. यू नो इट वॉज लाइक फैबुलस, आई लव्ड इट थरली. मेरे को लगता है मेरा आज तक का लाइफ का बेस्ट लुक थी वो. अभी फेसबुक पे उसके नीचे आके लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये आपने पहन क्या है. आपको पता है आप कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, यू शुड नॉट बी वेयरिंग दीज क्लोथ्स. कोई जना आके कहते हैं अरे मैं तो इनको बहुत मानती थी, मैं तो इनके बड़े एडमायर करती थी, इनके टिप्स और इनकी इंटेलिजेंस, बट ये ड्रेस देखने के बाद आई डोंट नो. दोस पीपल, दोस फ्यू पीपल जो सोचते हैं कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो मेरी मम्मी बन के मेरे को आके वो ज्ञान दे रहे हैं, दे जज नहीं कि मैंने ये ड्रेस पहन ली तो मेरा सारा टैलेंट, मेरी सारी इंटेलिजेंस गई खूह में, यू नो गई कुएं में. The पीपल जज यू. people judge you for your clothes, for your character. They सिर्फ actually सिर्फ पहने, और मतलब अगर मैंने मॉडर्न ड्रेस पहना तो मेरी इंटेलिजेंस सब खत्म हो गई, मेरे को अभी कुछ नहीं आता. मैं कुर्ता पहन के अगर वहां पे टिप्स दे रही हूँ तो हाँ ये बहुत अच्छी टिप्स देती हैं. हाउ डज दैट मैटर, एक ड्रेस चेंज होने से मेरी सारी इंटेलेक्ट, मेरा अंदर का सब बदल गया? नो. तो मैंने वही पहना है, ऐसे यार मेरे को तो ये बहुत पसंद थी, आई वॉज सुपर हैप्पी. देन आई सॉ के हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ कॉमेंट्स वर तारीफ कर रहे हैं. अगर बीच में 10-15 ऐसे के थे, इट्स ओके, दे आर यूटिलाइजिंग देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो अगर आपको कोई जना टोकता है जिससे आप डरते हो, आपने उसका क्या कर्जा देना है कि आप उनसे डरते हो? पहली बात तो ये. अगर आपका मन कर रहा है कि आज मैंने लहंगा और क्रॉप टॉप पहनना है, पहनो. डोंट सीरियसली. बॉदर अबाउट एनीबॉडी. आप इतने खुश होगे ना, यू विल वेंट आउट हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी जब आप अंदर से खुश होगे. एंड हम लेडीज ना, हम लोग एक स्पा करा के खुश हो जाते हैं, हम नेल्स करवा के खुश हो जाते हैं, एक अच्छी ड्रेस पहन के हम खुश हो जाते हैं. तो मेक योरसेल्फ हैप्पी बिट्टी, क्या फर्क पड़ता है? किसी के अप्रूवल के लिए उसने नहीं बिल पे किया ना, किसी के अप्रूवल के लिए नहीं हम तैयार हो रहे हैं. एग्जैक्टली. तो women is already very, very simple, you know? हम तो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं. इट्स रियली इंसाइटिंग जैस्मिन, आई रियली लव टॉकिंग टू यू. हम बहुत बार मिले हैं, बट दिस आई थिंक द वे वी टॉक टूडे, वी नेवर टॉक लाइक दिस, है ना? हमने बहुत अच्छी बातें करी.
वी आर ऑलवेज सराउंडेड विद कोई ना कोई फैमिली या कुछ, ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है हम दोनों बैठ के वी आर आउट ऑन अ कॉफी, वी आर लाइक गपशप फुल ऑन चल रहा है. टू एवरीबॉडी हु हैव स्टक थ्रू द एंड ऑफ दिस सेशन. या सो थैंक यू सो मच ऑल द गाइज हु जॉइंड, उन्होंने अच्छे से हमें सुना एंड आई होप आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी टिप्स मिली होंगी एंड जैस्मिनम से. एंड अगर आप और कुछ जानना चाहते हो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक आउट हर पेजेस ऑन यूट्यूब इंस्टा एंड फेसबुक. शी इज देयर एंड एक्चुअली गिविंग सो मेनी टिप्स ऑन योर क्लोथिंग एंड एवरीथिंग ऑन योर बॉडी टाइप स्पेशली, मुझे बहुत अच्छी लगती है. यू आर सो काइंड. Thank you so much. Thank you, Jasmine, and thank you for joining. Thank you. Pleasure. Okay.